हुसैन अली मेरे चो मैं अली चो, हुसैन मेरे चो मैं हुसैन चो, मेरे नबी का फरमान है फातिमा मेरे जिगर दा, उची बोलना जिगर ना तलक के जिगर अगर कम करना छड़ दे खराब आ जाए सारे जिस्म में खराबी आ जाती है। अगर फातिमा तुजारा सलामुल्लाह अलैहा दी अकीदत मुहब्बत च अगर कमी आ गई समझ ले सारा मामला गड़बड़ हो गया। तो जो ना सुनना मन सबा नबिया नबिया जेड़ा मेरे रसूल पाक अलैहि सलाम दी ओदी की सजा है ते जदो नबी ने फरमाया कि नूर चो मैं ते अली बने आ एदा मन आए बनया कि जेड़ा अली दी तौहीन करे ना रहन दे दुनिया ते ओ भी काबिल नहीं ओदी दी सजा आई है मत नहीं गल दी समझ लगी सुभान अल्लाह ते जदो हुजूर ने फरमा दिया फातिमा मेरे जिगर दा टोटा है सुभान अल्लाह खलो के जेड़ा बंदा हार जाए गोली मार दे जेड़ा मुलाजम ने टाइम उत्ते ना आवे अपने प्यो दा ही नहीं मैं क्या मैं ते त्रै बारी अदमाया रजिस्ट्रियां तुसां जमा कराईयां मैं कराईयां तुसीं आख्या कतर रोको जन्मी गल याद रखी तुहानू बड़े लोगों ने आख्या पर नंबर छे काट ना होना बंदे दा पुत्र बन साडे ते कदी मदो कालवां दे स्टूडेंट भी खलो के नहीं आख्या रब मुहम्मद मुस्तफा अलैहि सलाम नूं खुदा मन्नो कदी आख्या उच्ची बोलना मालूम होया तू झूठा है पर अगला कुरान दा फैसला मेरे को सुन ले पारा नंबर छे रुको नंबर एक अल्लाह करीम फरमांदे ने जेड़ा रब ते मुहम्मद दे दरमियान जुदाई पाए ना उलाइक हुमुल काफिरून हक्का ओए ओदे काफिर होने शब्द नहीं होए पक्का ते पक्का फर जाए दरमियान जुदाई ना ना पाए ते रब आंदा मैं बख्शे दा वादा कीता बख्शिश भी दिया आऊंगा वजह है पारा नंबर उच्ची बोल एक मर भी ठीकना जा ते जदों तकरीर करदा ते जदों उस कदी ना सियाबा दी गुस्ताखी करनी होवे कन नाल ऐ नहीं करदा हैं मैं क्या कदी याद रखी कदी मेरे सामने आवे तेरे मैं मुंह दे उत्ते लत ना मारा बैठा बंदा ही नहीं जेड़ा सियाबा दे बारे भी टोके ओ जन्मी कुत्ता है उची बोल है एक हदीस याद रखनी दलाल देने की लोड़ नहीं असहाबी कुल्लो मखैर मेरे नबी दा फरमान है हर सियाबी आ कुत्ते हर सियाबी बेहतरीन है इजाजत होवे ते अगे एक नारा वजा सी स्टेज दे उत्ते जदों नारा मारदे ओ ना नारा तकबीर नारा रिसालत नारा लेकिन नारे हैदरी पता नहीं किस टाइम का मैं आया जे मैं नहीं सुनिया नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी हैदरी दुनिया ने दस्या करो कि अली तुहाडा नहीं अली ऐसी है अली पाक ने किन्ने पुत्र ने 18 उच्ची बोल 18 मेरा हक बंदा फजल बटेरे को पूछ लेना कई यकम तो लग के 10 तक हुसैन का जिक्र करना दूजा 17 ने क्यों नहीं मन लिया असल में नहीं मनता वजह मैं क्या है सुनने का मौका सोना मेरा किता सोना जिदे नाल इमाम हसन की सुलह ओदे नाल साडी सुलह जिदे नाल हुसैन की जंग कयामत तक ओदे नाल साडी भी जंग है क्या बात है
अली ने दो पुत्रा नहीं मनता बुरा क्या सुन मेरे हल्का की हो रुशी पढ़ो पढ़ो मैं मन बड़ी खुशी होती है जो गाकार मैं नवा तो इन्ना को सौदा मंगे और इन्ना गया दसा कि मेरा मुहम्मद अली को तलक है मेरा मोहम्मद गुलामा अली को तलक है शादी सन तवीज जो सप ना कोई लड़ जाए सप लड़े तेरे दुश्मन तेन पीरा सबक नहीं चढ़ा सबक सुना लगा पीरा ही दिता लाया पुराने पा पूरा मेरे हाथ उत्तर आप मामा शरीफ खोल या टोपी खोल या याद रखी नक्शे नालैन शरीफ निकलेगा या मोहरे नबूवत निकलेगी तेन ना समझ लगे मैं तेन की कह सकना पर मेरी गल बड़े ध्यान ना सुनी है कुरान पाक उत्ते ठीक है आपको जरा झूठ बोले काफर उची बोल है और मैं अपने बारे फतवा पे देना वा उची बोल जरा झूठ बोले मेरा दादा चंद्र क्या ध्यान रखा दे जेड़ा बंदा नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दे चौवां यारां नूं मंदा है ना मरण तो बाद करोड़ा साल भी जमीन च रवे भावे वह सप्पा की धरती हो मैं लिख के दे देना क्यामत आ सकती है लेकिन तेरी कबर सप या कीड़ा मकोड़ा नहीं किताब का नाम नूर अल अबसार शाह जी किताब का की नाम दसिया सफा नंबर दो 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 सफा नंबर उची बोल सफा नंबर कौन जी मान कसाई ने भी हदीस लिखी है मौलवी की गल ही नहीं मैं करता मौलवी मैं की जानना है जेडे तो सवेरे शाम मेरे मगर पौधे मौलवी जुती पालिश करानी मैं क्या पढ़ा हो तेरे नाल एक नाल जे मैं तेरे आंदा भजाओ मेरे नाल जुती चंगी है मैं क्या जुती इस तो चंगी है ये मदीना शहर की गलियां कई बारी लगी है उची बोल ना उची बोल ना कई दिहाड़े उठे रही है तवज्जो है मेरी बात अल तेनों तो मदीना बड़ा ने नहीं दिता रास्ते नहीं पंजाला हजरत ने बात लिखी है कि मुहर्रम में मिलाद नहीं तो मिलाद के लेकिन अभी जुमला जहाँ आया लेकिन वो नहीं मिलाद बयान करो इन मसला एक आ गया तो ना छड़ा अच्छा दसो हाँ जो भारत के जो टावर है ओ ओ इंडिया के आदि लोग 7500 मीटर आदि की बुलंदी होती है चो किस वेख्या क्यों नहीं जो वेख्या मेरा दिल करता कि तुम मैं थां मार दिया कि तुसा नहीं देखा तो जो है मेरी बात चाचा मेरी गल जरा दिल हथ रख के सुन मैं क्या ना मेरा दिल करा मैं तो थां मार दिया क्यों 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 तू क्या क्यों तू वहा बंदे का पुत्र बन इन्हें भी आना मिलाद वहा 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 है क्यों आना ये तां दसणगे मैं टावर उत्थे है या नहीं जेड़ा जाएगा जेड़ा ते जेड़ा उत्थे गया ही नहीं ओनू की पता ते तेनू पुछदा दस मिलाद है वे ते भैड़िया मैं ते साल तो बाद मनाना ते तेरे डेले बाहर आ जांदे ने ऐ जिन्ने गया ने पुछ लिया मदीना शरीफ जनाब हर सोमवार नूं मुहम्मद दा मिलाद हुंदा है कि नहीं हुंदा तू इन्हां कोल दलीलां पुछना है तां पुछना कि तेनू मेरे नबी ने मदीने बड़े बड़े तक तेनू की पता मदीने च मिलाद है या नहीं समझ लगी जरा गल मेरी बड़े ध्यान नाल सुन लिया सना तो जो है मेरी बात है क्यों हदीस सुनावा कह नारा तहकीर नारे तहकीर नारे तहकीर नारे हैदरी सलमान मेरे ध्यान रखी जरा तवज्जो ए तेरे ध्यान नूर अलम साजिया नर रवायत मौजूद है ईमान की साईं हदीस लिखी
सवा नंबर दो जो पेपर ने लख रुपया इनाम दियांगा। नबी करीम अलैहि सलाम ने सियाबा का इत्तेमा है, सरकार ने फरमाया मेरे सियाबा जदों हजरत नूह अलैहि सलाम का दौर आया, हजरत नूह अलैहि सलाम ने दौर के अंदर सलाब आया, रब ने फरमाया नूह इंतकार एक कश्ती तैयार कर, जदों रब वाला ने रसूल ने कश्ती तैयार की, जदों सुबह का टाइम होया देखिया ते कश्ती नूं कीड़ा खा गया, जदों अल्लाह तआला दे नबी ने देखिया अर्ज की या अल्लाह पानी आने वाला कश्ती नहीं बनी, जेड़ी कश्ती बनाना कीड़ा खा जाता है। अल्लाह तआला ने फरमाया जिब्रील यानी कर छेती जा, जाके मेरे नूं नबी नूं कह दे इस कश्ती दे चौहां कोणियां दे उत्ते मेरे नबी दे चौहां यारां दा नाम लिख दे। अर्ज की या अल्लाह कीड़ा लिखा, फरमाया कोनो के अबू बकर दा नाम लिख, दूजे तो उमर दा नाम लिख, तीजे तो सुमान दा नाम लिख, चौथे ते अली दा नाम लिख। हजरत नूह अलैहि सलाम दे ने रब दी कसम है जदों मैं नबी दे चौहां यारां दा नाम लिखिया है ओदे बाद मेरी कश्ती नूं कीड़ा लगे ही नहीं। फैर की या अल्लाह जदों नाम लिखवाए नहीं फिर याद क्यों करवाई। रब ने फरमाया मौलवी इन्हां दुनिया नूं दस जे लकड़ दे उत्ते चौं यारां दा नाम लिखिए उन्हां नूं कीड़ा नहीं लगदा, जिदे दिल दे विच चौं दी मोहब्बत आ जाए ओदी कमर कीड़े की लैण आउणा। गल पड़ी सी एह विच अगर कोई तसली है तरनीद कर लिया जाए। आयत कहनी पड़ी सी या अय्युहल लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअ सादिक़ीन सच्चियां दे नाल नाल या अल्लाह सच्चे किहड़े ने नमाज़ पढ़दे हो नमाज़ पढ़िया करो। एक गल गल ते कि मैं तुहानू कहां पीर तुहानू बख्शा लैण दे शायद सब की ख्याल है रहनमई हो सकती है नेक बंदे दे हाथों ते तौबा हो सकती है तुहाडे वास्ते दुआ कर सकते हैं, लेकिन इहदा इह मतलब नहीं मैं ज़कात भी ना दे उशर भी ना दे मसीतीए को भज के लंघ जाए तू आखे नहीं यह सारा काम पीरा ही करना एडे पीर भी नहीं वेले जिहड़ा सारा काम ओही करे की ख्याल है गल गलत है नहीं खुदा रखा बगैर सूरह फातिहा दी नमाज नहीं होंदी कभी चलिया गल सुना साडा सूरह फातिहा दा रौला नहीं साडा रौला इस गल दा दस इमाम दे पिछे मुक्तदी जमात नाल नमाज पढ़े फिर फातिहा पढ़े कि ना पढ़े अगर जे पढ़ी होंदी ना बगैर फातिहा दे नमाज ना होंदी ते मेरे नबी पाक कदी आर्डर ना देंदे अबू हुरैरा सुभान अल्लाह इमाम नमाज पढ़ रहा जदों रुकू टुट जाए पिछों बंदा वजू करके रहे इमाम दे रुकू दे नाल अगर ओहदा रुकू दे नाल मिल गया ते ओहदी रकात ओहदी जरा उच्ची बोलना कई बार मस्जिद वेख्या ना इमाम दे रुकू गया मगर भज के बंदा रलदा है नमाज पढ़न लगा करो
चार गुरुआं दी मंग करना सारे रसूलां दे रसूले आदम कौन जनाब मुहम्मद रसूल रब ने की फरमाया नमाज मेरी पढ़ना रब दा मंगना नबियां दा इमाम लंबी आ भी साडे उच्ची बोलना बस सिद्दीकीना ते सिद्दीक अकबर भी उच्ची बोलना बस शहादाए इमाम हुसैन अमीर हमदा भी तुहाडे बस सालेहीन यारवीं वाला पीर भी अजे अजे नु भैड़िया शक ਚੌਵਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਨਾਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚੌਵਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਨਾਮ ਕੀਤਾ ਐਲੇ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਬੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਯਾਰਵੀਂ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਵੀ ਸਾਨੇ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਣੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ बड़े खुश नसीब जे बाबे से नेड़े नेड़े जी 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 तस्वीर चला लैन हम मेरा दिल करे तुम एक तो शेर भी सुना दई है जे मुड़ हूँ आदत पड़िया हम चिरकी जा शाह साहब उत्ते पता नहीं किस बात उत्ते राजी जिस वक्त मैं गुफ्तगू सुन लगा इला माशाअल्लाह उन्दा किसी बुजुर्ग का कौल ज्यादा परम शाह साहब की जबान चो आला हज़रत का कलाम सुना आला हज़रत के कलाम की गारंटी मैं लेके चला हजार बारी भी सुनो इको मजमे सुनो तुहाडा दिल नहीं उकताएगा क्यों नहीं उकतांदा वो दसीना दिन आला हज़रत की नात पढ़ेगा ना या कुरान की आयत का तर्जमा होगा या मुस्तफा की रवायत का तर्जमा होगा अजकल बड़े मामला चल रहे मैं बड़ा लगता रहना मेरे मुर्शिद मैं एक गल कर लगा सिर्फ और सिर्फ गलती नाल मैं बादल अचानक कोई नाराज ना होना ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤਾ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾਤ ਖਾਨ ਦੀ ਨਾਤ ਜੀ ਨਾ ਪਰ ਜੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਸਖੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਹੁਤ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੂੰ ਆਖੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਹੈ ਅਰੇ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆਂਦਾ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਉਸ ਆਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖੇ ਦਾ ਬਾਸ ਸੁਣਾ ਦੇ ਹੈ ਬਾਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਤੇ ਨਾਤ ਫਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦੋੜੇ ਦੋੜੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਸ ਬਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਨਾਤ ਖਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜ਼ੋਹਰੀ ਵਰਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਅਦਸਤਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੰਘ ਗਏ ਅਲਮਾ ਸ਼ਰਫੁਦੀਨ ਮਸੀਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਅਲਮਾ ਜਾਮੀ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਜਾਮੀ ਵਰਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਾਤਾਂ ਨੇ 35,000 ਦੇ ਛੜ 40,000 ਦੇ ਛੜ 15,000 ਦੇ ਛੜ ਉਤਨੀ ਖਿਦਮਤ ਮੇਰੀ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਸੋਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਬਰ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਆਉਂਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮਾ ਕੁੰਤਾ ਤਕੂਲੋ ਫੀ ਕੀ ਆਦਰ ਜਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਆਨਾ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸ਼ਕਾਂ 10 10 10 10 10 ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਆਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਲਸਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਟੇਕਰ ਮਾਰਿਆ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਰਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸੁਨੈਣ ਕਰੀਮੈਨ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾਉਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਾਡੋ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਪੈ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਐਡਾ ਚਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਡੋ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਨਾ मजा कहा है कि मेरे को साइकिल है तो मैं इधर को पराडो में तो मैं आंदा भी सोना लगना दे पंजाब तिगरी आई साइकिल तो मेरा पराडो ना नहीं पेट भरीता तो जिन्ना भला मगरों मेरा पंजाब आना की पैना ये सारा समय लग के जन्म का पालन ही है जिन्ना भरी उन्हें माँ की खिदमत करो दिल खोल के करो पर मंगना हराम है की है आज तो बाद इतने जिन्हें बैठे हो कब्रस्तान तुहाडे कोले मौत तुहानू याद आउंदी है आज तो बाद चंद्र के जिन्हें गिरदो नवा तुहाडे वादा करो जेड़ा मौलवी नाथ खां पैसा मंगे तुहाडे इलाके च नहीं बनेगा
मैं तो कहना कुरान शरीफ ना धक्के मार के अपने इलाके चे सवाल नहीं होगा तो किसी बंद फतवा नहीं देना खुशामद होगी तारीफ होगी मैं एक जगह नहीं मैं सैकड़े जगह बह के मैं मद्दोगाल वाले पीर की मिसाल दी अगर किसी दरवेश वेखना तो मद्दोगाल वाला पीर सिंह जैद हुसैन शाह केड़ी रब ने नेमत नहीं दी मैं दसो सही मैं 11 बारी मदीना शरीफ तो आया मैं नहीं मंगया तो 11 बारी जो आया तो जिन्हें प्राडो रखी अज तक मदीने वाले मदीने नहीं बदल दिता डुब के मर गया ये नाराए तकबीर नाराए रिसाल क्या बात है माशाल्लाह देखो मेरा बेटा ऐडा को उस अपने प्योर भी कट छड़िया देखो कैसा गाना गाया मैं कह लानत तेरी सोच उत्ते जिवें दा प्यो है उवें दे पुत्र भी होना है ना शेरां दे पुत्र शेर ही होंदे ना अली दा पुत्र भी याद रखी जे अली शेर तो दा पुत्र भी ते शेर ही है ना ते जे अगर कोई है ना पुत्र तो उस कोई ही होना है ना जे कंजा है ते कोला पुत्र भी ते कंजा ही होना है ना बंदे पुछण सवेर तक फजर दी अज़ान तक तेरा मेरी गल चले तू पुछ मैं जो करदा पिया सही पिया करना दिन चढ़ जाएगा ना कुरान दे दलाइल मुकणगे ना मुहम्मद दा फरमान मुकणगा ना दूर दे स्टेज तक वादा कर दे सुनियो सिद्दीक भी साडा नबी भी साडे यार यारा पीर भी तण इजाजत होवे ते दसां के बाबे दा ते की कमाल है तफसीर जलालैन जरा उठी बोल तफसीर ओ तफसीर जलालैन अज तुहानू नहीं पता शाह साहब का कुछ लिया जे यूसुफ अलैहि सलाम दा हो गया किस्सा पहलो मेरा दिल करता मैं कुरान ना एक तुम सुना दिया थोड़ा जा रब ने पूछा वमा तिनका भी जमीन का या मूसा दस मूसा तेरे हाथ से की नबी ने पूछा जिब्रील आईडी कौन होता कौन है कौन है बेपू बोलिया आंदा जे नबी पता हुंदा ते जिब्रील कोलो क्यों पूछा लियादा नबी शगिर्द होया जिब्रील उस्ताद होया लाने ते तेरी सोच उत्ते जड़ी मेरी जुटी है ना नौ नंबर उची बोल जी मैं डांग फड़ी होंगी ना वो दस फुट जुत्ती वड्डी है कि डंडा उची बार यार हुण कुरान चो ना पूछ लगी है ते
ਕਾਇ ਕਲੀਮ ਬਾਦੀਏ ਮੁਕੱਦਸ ਸੇ ਚੌੜ ਲਗਾ ਹੈ ਜਰਾ ਆਪਣਾ ਜੋੜਾ ਉਤਾਰ ਦੇ ਬਾਦੀਏ ਮੁਕੱਦਸ ਸੇ ਚੌੜ ਲਗਾ ਜੋੜਾ ਤਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਦਾਤਾ ਲਈ ਜੇਰੇ ਜਾਈਏ ਬਾਬੇ ਮੱਲੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆ ਗਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲਾਨੇ ਕਿਉਂ ਵਾਦੀ ਮੁਕੱਦਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਲਾਇਕ ਅਲੈਹਿਮ ਸਲਾਮਾਤੁ ਮਿਨ ਰੱਬੀ ਵ ਰਹਿਮਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੇ ਨਰਾਜ਼ ਨਾ ਮਤ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਮੰਡੀ ਬਾਹਲਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਣ ਪਿੰਡ ਉੱਤੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਆਇਆ ਮੌਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੌਲਾ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੀ ਖੁਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਚੀ ਚੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਵਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਕਰ ਕੇ ਆਪਰੇ ਖੁਸਾ ਫੜਿਆ ਕੱਛੇ ਲਾਇਆ ਅਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਆਂਦਾ ਉਹ ਐਸ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਤੀ ਕੱਛੇ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਨਾ ਸਿਆਬਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਛੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੋ ਆਂਦਾ ਮੌਲਵੀ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਉਦੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ नहीं समझ अजे भी लगी हूं मैं की करा उदो असी उदो असी जमात का मसलक योग है जिनकी बुनियाद जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह ने खुद रखी है।